हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप अपने घर पर ही अपनी स्किन को ग्लोइंग यूथफुल बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून चंदन पाउडर, 1 टेबलस्पून ग्रीन टी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून वाटरमेलन जेल। ये गुड वाइब्स की है, मैंने purple.com से मंगाई थी। 1/2 टेबलस्पून आप इसमें वाटरमेलन जेल ऐड कर लें और तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर ले गाइस। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं, अगर चाहे तो गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रीन टी वाटर को बॉईल करके ठंडा कर लिया, उसे ऐड करूँगी। 1.5 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ग्रीन टी वाटर ऐड करूँगी। गाइस, ये पैक अगर आप चाहे तो फेस पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रब की तरह यूज़ करने के लिए आप ये पैक को 10 मिनट्स तक लगा के जो हल्का सा ड्राई हो जाए, तब इसे अपने हाथों को सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए पैक को रिमूव कर लें। आपको इस तरह से गाढ़ी पेस्ट बनानी है गाइस, पतली पेस्ट ना बनाएं, नहीं तो आपके फेस से वो टपकती रहेगी। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी पेस्ट बनकर रेडी हो गई है, आपका ये फेस पैक एकदम रेडी है। अब मैं ये फेस पैक अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। अगर आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिंगर टिप्स की हेल्प से भी अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लें। चंदन पाउडर हमारे स्किन पे जितने भी स्कार्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं ना, उसे वैनिश कर देता है। और ग्रीन टी हमारी स्किन को फाइन लाइन्स होती हैं, जितने भी विंकल्स होते हैं ना, उसे रिमूव कर देती है। और ग्रीन टी का वाटर भी तो हमने ऐड किया है, वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। एज ए टोनर भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। पूरे फेस पे इस तरह से आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है, उसे 20 मिनट्स तक अच्छे से सूखने देना है, उसके बाद अपने फेस को वॉश करें। देखिए 20 मिनट्स हो गए हैं, मेरा फेस पैक अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब मैं टावल से डैप टैप करके अच्छे से इसे ड्राई कर लूँगी। और फेस पैक लगाने के बाद ना गाइज, हमारी स्किन ना थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो हमें मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और हेल्दी बनाता है। और हम मेरे ख्याल से तो आपको एक दिन में 2-3 बार मॉइस्चराइज़र फेस वॉश करके ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इससे आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा ग्लो रहेगा आपके फेस पे। देखिएगा गाइस, कितना अच्छा ग्लो आ जाएगा। देखिए गाइस, कितना अच्छा ग्लो आया है। अगर आपको भी अपनी स्किन इसी तरह से क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, तो आप ये फेस पैक हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करें। आप स्क्रब की तरह भी यूज़ करें या पैक की तरह भी यूज़ करें, इसके 2 बेनिफिट्स हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं, अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड लव यू गाइस।